बच्चों, ये अपने पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें प्रूव करना है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5 और इसको प्रूव कर देना है साइन इनवर्स 27/11। ठीक है, तो हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं वो क्या जानते हैं जी? हम या तो फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का जानते हैं, या तो दूसरी फॉर्मूला हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की जानते हैं, यही जानते हैं। देखो ना, अपना क्वेश्चन का जो LHS है ना, इसमें एक तो कॉस इनवर्स है और दूसरा साइन इनवर्स है। तो क्या ऐसी कोई फॉर्मूला आप जानते हो जिसमें कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स चेंज करना पड़ेगा, है ना? तो सबसे पहले अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप इस कॉस को साइन में चेंज करना चाहते हो या साइन को कॉस में चेंज करना चाहते हो। कॉस को साइन में ही करते हैं, गुड। तो कॉस इनवर्स को आप यहाँ क्या लिख सकते हो भाई? साइन इनवर्स। तो कॉस इनवर्स है तो बी बाई एच होगा ना, साइन इनवर्स में पी बाई एच होगा। तो सोचो ना, b है 4, h है 5, तो p कितना होगा? 3 होगा। तो मैं इसे 3/5 बोल सकता हूं, एंड प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब देखो, यहां से आप चाहो तो इनको ऐड कर सकते हो, और ऐड करने के बाद ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 2 साइन इनवर्स। या दूसरा काम आप ये भी कर सकते हो कि इनको ऐड नहीं करो, आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये फॉर्मूला यूज कर लो। कौन सा यूज करें? विवेक आप बताइए कौन सा यूज करें। तुमको जो फॉर्मूला याद होगा मैं वही यूज करूंगा, बताओ तुमको कौन सा फॉर्मूला याद है? अरे गजब, तो ऐसे थोड़ी बनेगा जी। राहुल आप बताओ, कर लें तो बताइए ऐसा वाला क्या फॉर्मूला है इसका? क्या फॉर्मूला है जी? साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस स्क्वायर। कर दे यूज। देखो यूज कर रहे हैं आप, तो साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? स्क्वायर करोगे कितना? 9/25 प्लस फिर से वही वाई, वाई भी तो यही है जो एक्स था, एंड रूट अंडर फिर से वही होगा। किसी को परेशानी है इस स्टेप में तो बोलिए। अब अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए तो 25 इकाई 25 में से 9 गया 16, यानी 4/5 हो जाएगा। तो ये बना आपका साइन इनवर्स 3/5 इंटू 4/5 प्लस 3/5 इंटू 4/5। इसे सॉल्व करना है, कर सकते हो। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या देगा? साइन इनवर्स कितना? 12/25। अरे वाह गजब, 12/25, ये भी 12/25 होगा। लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आ गया? देखो, आपको लाना क्या था? साइन इनवर्स 27/11 ना, और ये क्वेश्चन होता है गलत। क्यों गलत है मैं आपको भी समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करें। समय दिखाई दे रहा है आपको यहाँ तक? गुड। तो देखो ये क्वेश्चन गलत क्यों है सो समझते हैं हम। अगर मैं इसको थीटा मान लूं, हाँ सही, क्वेश्चन है गलत था, ठीक है, हमको नहीं तो है। किसी को परेशानी? अब थीटा मान के आप साइन को इधर भेजिएगा इनवर्स को, तो क्या मिलेगा? साइन थीटा कितना? अब देखो तो साइन थीटा है यानी पी अपॉन एच होगा, तो यानी कि p बाई h की वैल्यू कितनी हो गई? दैट मीन्स p होगा 27 और h होगा 11।
ऐसा होना पॉसिबल है कि आपका जो कर्ण है यानी कि जो हाइपोटेन्यूस है वो कभी लंब से परपेंडिकुलर से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन का यहाँ मिसप्रिंट है, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो इधर कुछ नहीं ऐसा होना चाहिए या फिर इधर थोड़ा सा डाटा अलग होना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, एक ये क्वेश्चन है आर डी शर्मा से, हमें इस क्वेश्चन को इवेल्युएट कर देना है, हो जाएगा। इवेल्युएट कर देना है यानी कि सॉल्व कर देना हो जाएगा। तो एक इसमें जो मेन दिक्कत, जो मेन प्रॉब्लम यहाँ ऐसा देखिएगा, ये टैन है तो अंदर टैन इनवर्स चाहिए, तो ये बड़ी दिक्कत नहीं है क्योंकि हम इस साइन इनवर्स को टैन में बदल सकते हैं। जो दिक्कत, बड़ी दिक्कत है सो ये है कि ये हाफ है तो उधर जाएगा तो टू थीटा हो जाएगा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। हमें यहाँ पे ये बिल्कुल, हमें यहाँ पे ये करना है कि सबसे पहले इसको सपोज करना है थीटा, ध्यान दो, सबसे पहले क्या सपोज करना है इसे, थीटा। जब इस टैन को इस साइड हम शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, थीटा। एक मिनट बच्चों, तो हमने क्या किया, उधर शिफ्ट कर दिया किसको, टैन को इस साइड शिफ्ट किया हमने। अगर टैन को इस साइड शिफ्ट करोगे तो ये क्या बनेगा, हाफ साइन इनवर्स 3/4 किसके इक्वल होगा, टैन इनवर्स थीटा के इक्वल होगा। देखो हमें मेन प्रॉब्लम किससे है, इस हाफ से है, तो इस टू को हम उधर ले जाएं, अगर इसको क्रॉस करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 2 टैन इनवर्स थीटा। अब दूसरी बात ध्यान दो कि इस तरफ साइन इनवर्स है और इस तरफ टैन इनवर्स, तो या तो इसकी फॉर्मूला साइन इनवर्स में लिखो या तो इसे आप टैन इनवर्स में कन्वर्ट करो। तो हम ये इसको साइन के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये साइन इनवर्स 3/4 है और इसकी फॉर्मूला साइन के टर्म में क्या होगी, ये होगा साइन इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 प्लस या 1 माइनस, 1 प्लस या 1 माइनस, 1 प्लस थीटा स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स दोनों साइड है तो हम इस साइन इनवर्स को छोड़ देते हैं। अगर हम इस साइन इनवर्स को छोड़ लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 3/4 इज इक्वल टू 2 थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 थीटा स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 8 थीटा, इधर लेके आओ 3 थीटा स्क्वायर माइनस 8 थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू, क्या इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, नहीं, क्यों, 3 3 9 इसको फैक्टराइज नहीं कर सकता है। तो अगर इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं तो सॉल्यूशन निकालना दिक्कत है, हमें इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा। हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग थीटा इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस माइनस 8 तो प्लस 8 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी है तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, बी का स्क्वायर 64 माइनस 4 ए सी 3 3 9 9 चौके 36 बाई 2 ए 2 3 6 8 प्लस माइनस कितना बचेगा, 28 यानी कि 2√7 बाई 6, 2 कॉमन लेके काट दो, 2 कॉमन लेके काटोगे तो 4 प्लस माइनस रूट 7 बाई 3। जब आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे थीटा जो होगा ये 2 के करीब होगा, अप्रॉक्स 2 के आसपास होगा, 2 से थोड़ा ज्यादा होगा कम नहीं होगा। यहाँ पे जब आप थीटा चेक करेंगे 0 point something होगा, यही दोनों वैल्यू आपको मिल रहा है। एक चीज देखिएगा,
आपके पास जो थीटा है फिलहाल थीटा यहाँ आपके पास है ठीक है, और ये साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स के लिए ये जो थीटा होगा वो किस रेंज को ऑक्यूपाई करना चाहिए सर? माइनस माइनस वन से प्लस वन तक इसका वैल्यू होना चाहिए। इससे ज्यादा बड़ा वैल्यू को हम नहीं ले सकते हैं ठीक है, तो ज्यादा बड़ा वैल्यू को नहीं ले सकते हैं, इसी वजह से दूसरे वैल्यू को हमने छोड़ दिया और इसका आंसर क्या ले लिया 4 - √7/3। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है फॉर एक्स। क्वेश्चन कहाँ है? साइन इनवर्स एक्स बाई एट बाई एक्स साइन इनवर्स एट बाई एक्स आगे बोलिए आगे आगे बोल हाँ प्लस साइन इनवर्स 15 बाई एक्स साइन इनवर्स 15 हाँ 15 बाई एक्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू। हमें इसको सॉल्व करना है फॉर एक्स ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन में इस पाई बाई टू को ध्यान देना है, अगर मैं इस पाई बाई टू को समझना, जिसको तकलीफ होगा बोलना, साइन इनवर्स 8 बाई एक्स प्लस कॉस इनवर्स 8 बाई एक्स लिख दूं तो किसी को दिक्कत है? अगर मैं इस क्वेश्चन में पाई बाई टू को साइन इनवर्स 8 बाई एक्स एंड प्लस कॉस इनवर्स 8 बाई एक्स लिख दूं तो किसी को दिक्कत है? कैसे? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें देखा था साइन इनवर्स x एंड प्लस कॉस इनवर्स x इज ऑलवेज इक्वल टू पाई बाई टू। किसी को भी मान सकते थे नो प्रॉब्लम सर, तो आप 15 बाई एक्स भी लिख सकते थे, 8 बाई एक्स भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस, आप जो चाहो लिख सकते।